और किसान आंदोलन के बाद अब बात पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, सुलगता संदेश खाली और ममता बनाम बीजेपी। दरअसल हो क्या रहा है बंगाल के संदेश खाली की बात करते हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर पूरा बंगाल सुलग रहा है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं आज बीजेपी की केंद्रीय टीम संदेश खाली जा रही थी, जहां उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। फिर पूरी टीम वहीं धरने पर बैठ गई। बीजेपी ने आसनसोल में भी प्रदर्शन किया। वहीं हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। संदेश खाली की हर अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। संदेश खाली से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली जा रही कांग्रेस टीम को भी रोका गया। बंगाल पुलिस ने कांग्रेस टीम को रोका। पीड़ितों से मिलने जा रही थी कांग्रेस की यह टीम। कांग्रेस टीम में अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इससे पहले बीजेपी की तरफ से जब टीम जा रही थी तो उसको रोका गया था। अब कांग्रेस पार्टी की टीम जो संदेश खाली जा रही थी, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे, उन्हें रोका गया। वो वहीं पर प्रदर्शन करने के लिए वहीं जमीन पर बैठ गए और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब अधीर रंजन चौधरी के साथ जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार आए हमारे, कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार आए हमारे, कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार आए हमारे, कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार आए हमारे, कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार आए हमारे, कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार आए हमारे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दरअसल ऐसा क्या हुआ है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने शोषण के आरोप लगाए। संदेश खाली की महिलाओं ने शेख शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि रात में महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि पार्टी कार्यालय ले जाया जाता है, महिलाओं को मना करने पर मारपीट और हत्या की धमकी का भी आरोप लगाया गया महिलाओं द्वारा। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, यानी पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया इन महिलाओं ने। इंसाफ के लिए महिलाएं संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और उसी के समर्थन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, और बीजेपी के नेता भी उसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई है, वो ये कि संदेश खाली जा रही बीजेपी की टीम को भी रोका गया है। बीजेपी की केंद्रीय टीम को बंगाल पुलिस ने रोका। पीड़ितों से मिलने जा रही थी बीजेपी की टीम, तो बीजेपी की टीम को भी नहीं जाने दिया गया। केंद्रीय टीम जो बीजेपी की पहुंची थी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की टीम को रोका गया था, तो नहीं जाने दिया गया इन्हें भी संदेश खाली। संदेश खाली में महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर बंगाल से दिल्ली तक सियासत गर्म है। संदेश खाली जा रही बीजेपी टीम में शामिल नेताओं ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जेपी नड्डा द्वारा भेजा गया सेंट्रल टीम हमारे साथ है, धरने में बैठ चुके हैं वो लोग, बात करेंगे। मैडम सबसे पहले जानना चाहेंगे, धरने में बैठ चुके हैं आप लोग, जाने नहीं दिया जा रहा है आगे, अब क्या करेंगे? देखिए, हम बड़ी शांति के साथ पीड़िता से मिलने जा रहे थे, लेकिन हमको मिलने जाने नहीं दिया। ये तो अन्याय है। यहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक बहन है, और यहाँ पर एक बहन के साथ कितना, एक बहन ही न जाने कितनी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो वो खुद कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर हम पीड़िता से मिलने जा रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है। मुझे लगता है वो चिंतित है कि उनकी असलियत देश के सामने ना आ जाए, इसलिए हमको रोका जा रहा है। हम अगर वहाँ पीड़िता से बात करेंगे, उसको न्याय देने जा रहे हैं, तो उसमें तो उनका सहयोगी बनना चाहिए। वो व्यवधान डाल रही, हमें रोकने की बजाय शेख शाहजहां को उनको रोकना चाहिए था, तो शायद आज बहनों के ऊपर ये अत्याचार नहीं होता। TV9 भारतवर्ष अंदर गया था, लोगों के साथ बात किया था, औरत जो है उन्होंने कहा कि हम लोगों को रात 12 बजे बुलाया जाता था पार्टी ऑफिस में। तृणमूल कांग्रेस कह रहा है हम उनको सजा के अंदर लेके गए थे और बाइट करवाए, इंटरव्यू नहीं, उन बहनों ने बिल्कुल बोला है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। उन्होंने बोला है कि हमें कुछ बैठक के बहाने से बुलाया जाता है, और उसके बाद उनको चार चार पाँच पाँच छह छह दिन तक घर आने नहीं दिया जाता। उनके पति की जान की उनको धमकी दी जाती है, और उनके साथ अत्याचार और गलत व्यवहार किया जा रहा है। इतना बड़ा अत्याचार इन बहनों पे हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ की मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है, तो शर्मनाक बात है। हम सभी यहाँ पर कम से कम भी जो है 6 यहाँ पर जो है सांसद और साथ में 2 मंत्री, और यहाँ पर महिला पुलिस है। मुझे लगता है कि अगर सच्चाई है तो हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, वो महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। ये हम सबकी सोशल जिम्मेवारी है। मुझे समझ में नहीं आता कि महिला पुलिस हमें क्यों रोक रही है। एक मुख्यमंत्री महिला है, यहाँ पर जो पुलिस है वो महिला है, जो सांसद है वो महिला है, मंत्री है वो महिला है, तो महिलाओं से ही बात करने के लिए हमें क्यों रोका जा रहा है? मुझे लगता है कि इसको बहुत गहराई से सोचने की, समझने की बात है, जरूरत है। और बिल्कुल ये बात इस बात से ही साबित होती है कि यहाँ की सरकार जो है वो इन गुंडों को संरक्षण दे रही है।
आपको दो तस्वीरें हम आइए दिखाते हैं। दरअसल पहले बीजेपी की टीम को पुलिस ने रोका, उसके बाद फिर कांग्रेस की टीम को भी पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। ये दो तस्वीरें देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों टीमें जाने की कोशिश करेंगी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय टीम यहां पर पहुंची है और उन्हें रोका गया, उन्हें संदेश खाली तक नहीं जाने दिया गया। उनका ये कहना था कि वो महिलाओं के साथ मिलना चाहते हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी के साथ कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, वो भी संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, संदेश खाली को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। संदेश खाली जाने से रोके जाने पर यह अर्जी दाखिल की गई शुभेंदु अधिकारी की, कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी। उन्होंने कहा कि नहीं जाने दिया जा रहा है संदेश खाली, और इसको लेकर अर्जी लगाई गई है कोलकाता हाईकोर्ट में। शुभेंदु अधिकारी ने कल कोशिश की थी, उन्हें नहीं जाने दिया गया था, जिसके बाद ये अर्जी लगाई गई। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता जब संदेश खाली पहुंचे तो महिलाओं ने अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में क्या बताया, संदेश खाली से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। আমাদের অত্যাচার করতে জমি জায়গা অভিযোগ জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে। টিভি 9 কে ক্যামেরে পর আপনা দর্দ বয়া করতি হ্যায় মহিলাएं। টিএমসি কি কার্যকর্তা হ্যায় जो टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों के टॉर्चर से परेशान है। আমাদের অত্যাচার করতে জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তার পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসিয়ে রাখতো, পার্টির মিটিং 12টার সময়। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি, তারপরে আমরা অনেক অভিযোগ জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। পীড়িত সির্ফ ইয়ে মহিলাই নহি হ্যায় বল্কি সন্দেশ খালি মে ইনকি সংখ্যা কাফি জ্যাদা হ্যায়। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জল কর করছে। ঢেকেছেন কেন? আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছি। আমাদের সব ক্যাশ দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, ক্যাশ দিচ্ছে গড়ে গড়ে শুধু। টিএমসি কে লিয়ে কাম করনে ওয়ালি ইয়ে মহিলাएं अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। उनका आरोप है कि रात में शेख शाहजहां उनका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करता था, मना करने पर उनके बच्चों या पति को पीटा जाता था। शेख शाहजहां उनके ऊपर अत्याचार करते थे, आप देख सकते हैं। और भी महिला हैं जो अपना मुंह पूरी तरह ढक के यहाँ पे खड़े हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है वो यहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर अपना आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील हो गया तो रात को उनको उठा के लेके जाएंगे। मुद्दे ने तूल पकड़ा तो 12 फरवरी को संदेश खाली में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दौरा किया और उनकी पीड़ा सुनी। आई कैन ओनली टेल यू व्हाटएवर इज विद इन माय लिमिटेड पावर्स आई विल डू। संदेश खाली हिंसा पर राज्यपाल ने रिपोर्ट भी दी है, जिसके मुताबिक संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और टीएमसी नेता महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, संदेश खाली के लोगों की जमीन हड़पी जा रही है, पुलिस आरोपियों से समझौते पर मजबूर कर रही है। संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट दी है। संदेश खाली पर NCW की रिपोर्ट सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, ये कहा गया उनकी तरफ से, यानी स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत की तरफ क्या वो इशारा किया जा रहा है। NCW मामले की जांच के लिए गहराई तक जाएगा कहा गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा। सबूत मिटाना, डराने और धमकाने की रणनीति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, यानी ये अस्वीकार्य है कि सबूत मिटाए जाएं और डराया धमकाया जाए। पूरी जांच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है इस रिपोर्ट में। संदेश खाली मामले में हिंसा और धमकी और परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करती है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में तमाम जानकारियां सामने रखी गई हैं। कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही और कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए जवाबदेही भी तय हो और कार्रवाई भी की जाए, यानी कार्रवाई की मांग हो रही है, क्योंकि यही आरोप लगा रही है महिलाएं कि उनके द्वारा जो शिकायत दी गई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच बीजेपी सांसद ब्रजमोहन ने पीड़ितों से बात की। हम पीड़ितों के साथ हैं, उन्होंने कहा। यूपी की तरह बंगाल में भी चलेगा बुलडोजर, ये बड़ी बात कही उन्होंने। सांसद ब्रिजलाल जी हमारे साथ है। ब्रिजलाल जी, अभी आप वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, कौन थे वो महिला जिनके साथ वीडियो कॉल में आप बात कर रहे थे? ये संदेश खेड़ा की पीड़ित बेटियां थी, संदेश खड़क खेड़ा के, और उनसे हम बात कर रहे थे। वो बेटियां अपना दुखड़ा रो रही थी, अरे हम लोग जा रहे हैं उनका दर्द देखने, उनके साथ क्या हुआ, और ये तांडो जो ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, आज दो दो सेंट्रल मिनिस्टर, 6 सांसद, इसमें 5 महिलाएं हैं, आज सड़क पर बैठी हैं। अरे हमने कहा 4 को तो जाने दो, लेकिन 4 को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, और ममता दीदी के इस कुशासन को, इनके जो ऑर्गेनाइज क्राइम से चल रहा है, तोलेबाजी से चल रहा है, सिंडिकेट से चल रहा है, और ये त्राही त्राही कर रही है बंगाल की जनता, और बैठी है कि इस सरकार को
तृणमूल हैं तो तृणमूल से उखाड़ करके फेंक देगी इसको। अच्छा, तो आगे आप क्या करेंगे? अभी तो नहीं जाने दे, क्या राज्यपाल से आज मिलेंगे अभी जाके? बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, हम राज्यपाल को, क्योंकि वही एक अथॉरिटी है जहां हम अपनी बात कर सकते हैं, बाकी तो अपने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट तो देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यह बड़ी मांग की है। आयोग ने संदेश खाली पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आयोग ने की उचित कार्रवाई की मांग। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? ये क्वेश्चन हम लोगों को कल रखा है और उसके बाद कल रात 2 बजे तक पूरा टीम बैठ के हम रात में महामहिम राष्ट्रपति से रिपोर्ट देने के लिए रिपोर्ट तैयार किया है और उसमें सारी चीज़ का वर्णन हम लोग किया है। अभी हम लोग भाग्य से ले जो महामहिम राष्ट्रपति केस का इम्पोर्टेंट देख के उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया है, फुल कमीशन लेके 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति से मिल के सारी रिपोर्ट उन लोगों पर दर्ज किया है। आईनी भावे राष्ट्रपति शासन लगाते पर एकदम आईनी पड़े जाते, एखे कोई विरोध क्यों विरोधिता करते पर।